बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो एडिटिंग के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि काइन मास्टर में किस तरह पिक्चर्स को जूम इन, जूम आउट और स्टैटिक किया जाता है। इसके अलावा काइन मास्टर के कुछ टूल्स का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिल सके। काइन मास्टर को करते हैं ओपन। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट का नेम देंगे ABC 1 2 3, कुछ भी रैंडमली आप इसका नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मीडिया ब्राउज़र में ले जाएगा। यहाँ पर इमेज एसेट और वीडियो एसेट्स और इसके अलावा फेवरेटीज और ये भी ऐप्स के अंदर एग्जिस्ट हैं। अगर हमें कोई बैकग्राउंड चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऐप्स के अंदर एग्जिस्ट हैं। लेकिन अगर हम इसके अलावा और कोई बैकग्राउंड चाहते हैं तो स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये है पिक्सपील्स की है और कॉपरेट्स की है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन से, पैटर्न से, सिंपल। आप सिंपल जो है ना वो इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डाउनलोड की हुई हैं। स्टोर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो है ना वीडियो अवेलेबल हैं। ये देखें, कोई सी भी वीडियो जो है आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। और यह है कि वीडियो डाउनलोड करने से पहले आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइन जो है ना वो रेड एंड तक हो जाएगी। अगर तो आपको कोई कुछ डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए नेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ऐप जो है ना वो ऑफलाइन भी चल सकती है। आप कुछ इन टूल्स के बारे में आपको बताती हूँ। अगर हमने अपनी वीडियो में बैकग्राउंड सेट करनी होगी तो ये मीडिया पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मीडिया ब्राउज़र में ले जाएगा। यहाँ से हम कोई पिक्चर और वीडियो जो है ना वो बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बैकग्राउंड में कोई लेयर ऐड करनी होगी तो लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है ना वो मीडिया ब्राउज़र में ले जाएगा। यहाँ से हम कोई पिक्चर और वीडियो जो है ना वो एज ए लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। एज ए लेयर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का। इफ़ेक्ट्स कुछ तो ऐप्स में एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन अगर हमें मज़ीद चाहिए हो तो ये स्टोर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो है ना इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये देखें, कोई भी आपको चाहिए हो तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर में स्टिकर का। स्टिकर भी इसके अंदर कुछ एग्जिस्ट हैं और अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो स्टोर के ऑप्शन पे सिंपल आपको यहाँ से सिलेक्ट करें और कोई सा भी स्टिकर जो है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट का। अगर आपने वीडियो में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप सिंपल जो है ना वो इस पर टेक्स्ट भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हैंडराइटिंग का। हैंडराइटिंग जो है ना अगर आपने करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसको करती हूँ सिंपल सिलेक्ट और इसको कर देती हूँ डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये ऑडियो का। अगर हम अपनी वीडियो के बैक में कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि पिक्चर्स को वीडियो में किस तरह हम जूम इन, जूम आउट और स्टैटिक कर सकते हैं। पहले मैं मीडिया पर जाके यहाँ पर कुछ पिक्चर जो है ना वो सेलेक्ट कर लूँगी। ये तीन पिक्चर जो है ना वो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इस पहली पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं, ये रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब है कि अगर हमने कोई पिक्चर जो है वो इसकी जगह रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस के ऑप्शन पे जाके इसको सिंपल रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये सीज़र है। सीज़र पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हम ट्रिम लेफ़्ट, ट्रिम राइट और स्प्लिट जो है ना वो कर सकते हैं अपनी वीडियो को। नेक्स्ट ऑप्शन है ये रोटेट का। रोटेट का मतलब है कि हम अपने पिक्चर जो है ना वो किसी भी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। ये देखें, पिक्चर की पोजीशन चेंज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ये फ़िल्टर का, एडजस्टमेंट का और क्लिप ग्राफिक्स का है। क्लिप, यहाँ पे कुछ क्लिप्स ग्राफिक जो है ना वो ऐप्स में एग्जिस्ट होते हैं
और अगर हमें मज़ीद ज़रूरत हो तो हम स्टोर पे जाके, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के क्लिप्स अवेलेबल हैं। ये देखें यहाँ पे, इनको हम सिंपल डाउनलोड करके अपनी वीडियो में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम करते हैं क्लोज। और नेक्स्ट ऑप्शन है, अब हम इसको करेंगे जूम इन जूम आउट। इसके लिए ये सिंपल पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगी, पैन एंड जूम पे क्लिक करूँगी। और यहाँ पे एक स्टार्ट पोजीशन है और एक एंड पोजीशन है। इसका मतलब है कि हमने पिक्चर को स्टार्ट में इसकी पोजीशन क्या रखनी है और एंड पे क्या रखनी है। स्टार्ट में अगर मैं इसको जूम इन करना चाहती हूँ तो ये हम थंब और फिंगर की मदद से इसको जूम इन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एंड पोजीशन पे मैंने क्लिक किया तो कर्सर यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं इसको जूम आउट करती हूँ फिंगर और थंब की मदद से। ये मैंने जूम आउट कर दिया। इसकी स्टार्ट और एंड पोजीशन मैंने कर ली सेट। अब बैक चलते हैं और नेक्स्ट पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और फिर जूम इन और जूम आउट पे करेंगे। इसको मैं स्टार्ट पोजीशन में करूँगी सेट जूम आउट की, और एंड पोजीशन जो है ना वो जूम इन की कर दूँगी। इसकी सेटिंग करने के बाद हम जाएंगे बैक, फिर जाएंगे फिर इस पिक्चर को, थर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पैन और जूम पे जाएंगे। और अब इस पिक्चर को मैं स्टैटिक रखूँगी। वैसे तो पिक्चर जो है ना वो वीडियो में मूव करती ही अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैं कर रही हूँ कि अब इस पिक्चर को हमने स्टैटिक रखना है। स्टैटिक इस तरह रखना है कि हमने स्टार्ट और एंड पोजीशन जो है ना वो हमने सेम लेनी है। ये देखें मैंने इसकी ये पोजीशन ले ली है, यही मैंने इसकी स्टार्ट में ली है और यही मैंने एंड पे ले ली है। अब ये वाली जो टू लाइंस इक्वल शो हो रही है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगी तो ये इसका मतलब होगा कि ये दो स्टार्ट और एंड पोजीशन में स्टैटिक रहेगा, ये मूव नहीं करेगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूज़िक किस तरह ऐड कर सकते हैं। ऑडियो पे हम क्लिक करेंगे। अगर तो आपने कुछ सेव किया होगा म्यूज़िक या फिर डाउनलोड किया होगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल ये स्टोर पे ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ के म्यूज़िक जो है ना वो अवेलेबल होंगे। आप उनको डाउनलोड करने से पहले प्ले करके भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे म्यूज़िक डाउनलोड किया है, इसलिए मैं यहाँ से जो है ना वो इसको सिलेक्ट करके प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी। ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये इसका म्यूज़िक जो है ना यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं प्रोजेक्टर को ना रन करके दिखाती हूँ आपको कि किस तरह इसमें पिक्चर जो है ना वो जूम इन और जूम आउट हो रही है और किस तरह स्टैटिक शो हो रही है। इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। ये लास्ट पिक्चर पे हमने स्टैटिक का ऑप्शन लगाया था इसलिए ये मूव नहीं कर रही। प्रोजेक्ट रन करने के बाद म्यूज़िक जो है ना ये ज़्यादा शोर है, इसलिए हम इसको करेंगे ट्रिम। इसको हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ट्रिम की ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया और इसको ट्रिम टू राइट कर दिया। एक्स्ट्रा जो म्यूज़िक था वो कट हो गया। हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो गई है। ओके जी, आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो हम पिक्चर्स को जूम इन जूम आउट और स्टैटिक जो है ना वो किस तरह कर सकते हैं वीडियो में। इसके अलावा आपको कुछ टूल्स का इंट्रोडक्शन करवाया है और आपको बताया है कि स्टोर से आप डिफरेंट चीज़ें जो प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं वो उनको किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ न्यू एक्टिविटीज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।